1885 में असम के नौगांव जिले के बरहापुर में जन्मी भोगेश्वरी भले ही साधारण महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगेश्वरी ने अपने 6 बेटों और 2 बेटियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरहमपुर कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे के बाद क्रांतिकारियों ने हमला किया और सितंबर 1942 में वहां कब्जा कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने बदला लेने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कैप्टन फिनिश के नेतृत्व में सैन्य बल भेजे। भोगेश्वरी ने रतनमाला के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैप्टन फिनिश का सामना किया। जब कैप्टन ने रतनमाला के हाथ से झंडा छीन लिया तो भोगेश्वरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भड़क उठी। उन्होंने कैप्टन फिनिश के हाथ से झंडा छीन लिया और उनके सिर पर झंडे के डंडे से वार किया। भोगेश्वरी की इस हरकत से क्रोधित होकर कैप्टन फिनिश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और भोगेश्वरी को गोली मार दी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गईं और 20 सितंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भोगेश्वरी का बलिदान मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। भोगेश्वरी का बलिदान इस बात का भी उदाहरण है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की कोई उम्र नहीं होती। भोगेश्वरी फुकाननी को हमारा नमन। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों में से सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी असम की कनक लता बरुआ को भी याद कर रहे हैं। 1942 में वो मात्र 17 साल की उम्र में शहीद हो गईं। कनक लता को वीर बाला के नाम से भी जाना जाता था। वो क्रांतिकारियों के विशेष दस्ते मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं। उन्होंने पुलिस के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने गृह नगर बोरंगबाड़ी में थाने के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निहत्थे ग्रामीणों के दल का नेतृत्व किया। कनक लता जब झंडा फहरा रही थी तभी उन पर गोली चला दी गई, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा ऊंचा रखा। उनके दिल में अपने महान राष्ट्र के लिए असीम प्यार और समर्पण था। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पोत ICGS कनकलता का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जब भी आजादी की बात होगी कनकलता जैसी साहसी वीरांगनाएं लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। आज हम आयरिश समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट को भी याद कर रहे हैं, जो 1933 में आज ही के दिन हमें छोड़कर चली गई थी। एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की। व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ शायद भारत का ये पहला राजनीतिक आंदोलन था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। 1902 की शुरुआत में बेसेंट ने लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य लोगों की समृद्धि के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए भारत पर शासन कर रहा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के लिए भी काम किया। न्यू इंडिया अखबार के संपादक के रूप में बेसेंट ने लोगों से आजादी की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की अपील की। जीवन पर्यंत उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान भारत की आजादी के लिए अभियान चलाया। भारत के लिए उनके समर्पण और उत्साह को नमन।